बहू, अरे ओ बहू, अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? हाँ? यहाँ तो मेरी हालत खराब हो रही है गर्मी की वजह से। अरे अपने बेटे से कहकर कूलर मंगवा दो, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अरे बहू, कूलर तो मैं बाद में मंगवाऊंगी, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। नहीं माँ जी, मैं अभी चाय बनाने नहीं जाऊंगी, गर्मी बहुत है, पहले आप कूलर मंगवा दो, तभी मैं चाय बनाकर लाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, जिद मत कर, आने दे बेटे को, मैं कह देती हूँ कि कूलर ले आएगा। जा अब जल्दी से चाय बना ला। अरे माँ जी, इतनी गर्मी में मेरी हालत खराब होती जा रही है, और मैं चूल्हे पे चाय बनाऊंगी तो मैं पसीने से लथपथ हो जाऊंगी। माँ जी ऐसा करिए, पहले कूलर आ जाने दीजिए, इसके बाद ही मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे क्या बात हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अजी सुनिए तो, मेरी गर्मी की वजह से हालत खराब होती जा रही है, आप जल्दी से कूलर ला दो। अरे क्या कहा तुमने, कूलर? अरे कूलर लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कूलर तो मेरे बस का नहीं है। अच्छा तुम्हारे बस का नहीं है, मैं चली अपने मायके। अरे अरे हाँ, अरे वहां कौन सा कूलर लगा हुआ है तुम्हारे मायके पे? तुम दोनों शांत रहो, चलो मैं ही चाय बनाकर ले आती हूँ, तुम दोनों शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं खुद चाय बनाकर पी जाऊंगी। भैया कहाँ से आ रही सवारी? भैया हम गए थे कद्दू जी की बारात में। कद्दू जी की बारात में? और कौन कौन आया था कद्दू जी की बारात में? शिमला मिर्च, गाजर, मूली, बैंगन, धनिया, मटर सब आए थे। हम सबने कद्दू जी की बारात में खूब डांस किया, अच्छा अच्छा भोजन किया, लड्डू पेड़ा रसमलाई खाई। भैया तुम नहीं गए थे कद्दू जी की बारात में? हाँ भैया हम नहीं गए थे। भैया बारात अच्छे से हो गई? हाँ भैया बारात तो अच्छे से हो गई, लेकिन कद्दू जी की अब खैर नहीं। भैया ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताएं भैया, विदाई के समय रोते रोते दुल्हन ने कह दिया, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर परिवार के लोग रो रहे हैं, अब मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी।